الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Viewers, Assalamu alaikum. Today is my presentation that is about idempotent matrix. مختلف قسم کے matrices ہوتے ہیں. اگر کسی matrix کو اسی matrix سے multiply کیا جائے اور result میں multiplication کے بعد रिजल्ट में वो ही मैट्रिक्स आ जाए जो क्वेश्चन में गिवन था, तो फिर उसको आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी यही कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए तो उसको हम आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल व्यूअर्स करते हैं। ए है हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स है। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। मल्टीप्लीकेशन के रूल के तहत भी हो जिसको मल्टीप्लाई किया है हम। क्या रूल होता है मल्टीप्लीकेशन का? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, और फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। इस तरीके से भी और मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है। हमने मल्टीप्लीकेशन के रूल के तहत इसको मल्टीप्लाई किया है और आखिर में जो हमारा रिजल्ट आया है वो आया है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट भी वही है जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है। व्यूअर्स, जब सेम आंसर आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के आ गया, तो लिहाजा जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, यानी मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट हमारा वही आया जो गिवन मैट्रिक्स था, तो लिहाजा देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स ए जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा उसको हम आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन व्यूअर्स। ये था आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। खुदा हाफिज़। थैंक्स व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम हम किसी और प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे इंशाल्लाह।